राधे राधे, आप सभी को कृष्ण छठी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। इस साल ठाकुर जी का छठी पूजा आज के दिन मतलब 24 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। ये दिन हम सभी भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आज का दिन ठाकुर जी के लिए बहुत स्पेशल है। और हर भक्त ठाकुर जी के जन्माष्टमी के 6 दिन बाद इस छठी पूजा को बहुत ही प्रेम से पालन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का छठी पूजा क्यों आरंभ हुआ? तो इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर सा और प्यारा सा लीला है। चलिए आज हम आपको छठी पूजा का ये प्यारा सा लीला श्रवण कराते हैं, और लीला के अंत में हम आपको बताएंगे कैसे आप छठी पूजा घर पर पालन कर सकते हैं। तो चलिए लीला आरंभ करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन, उस दिन के 6 दिन बाद अचानक से ही हमारे लड्डू गोपाल जी प्यारे से कान्हू बहुत रोने लगते हैं। बिल्कुल भी वो शांत नहीं हो रहे थे, जिस विषय को देखकर सभी बहुत हैरान और चौंकित होते हैं। सब सोचने लगते हैं कैसे कान्हू को संभालूं, लेकिन कान्हा तो बस रोए जा रहे थे। उनको रोता देख सारे देवता भी हैरान और परेशान हो गए। क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आया तो वो सभी चले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। और परेशानी का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी ने माता योगमाया को बुलाया, उनसे कहा, जैसे भी हो आज कृष्ण को शांत करना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो पर कृष्ण को शांत करो। योगमाया ने कहा, ठीक है, मैं अभी प्रयास करती हूँ। यही कहकर वो श्री कृष्ण के घर पहुँचती है, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सामने भेष बदल बदल कर ठाकुर जी को हंसाने का प्रयास करती है। कभी वो मोर बन जाती तो कभी वो दूसरा चिड़िया बन जाती, कभी और पशु पक्षी बन जाती, और बार बार अपना भेष बदल बदल कर ठाकुर जी को हंसाने का प्रयास करती। ऐसे ही भेष बदल बदल कर जब वो ठाकुर जी के सामने घूमने लगती है तो ठाकुर जी उसे देखते हैं और हंस पड़ते हैं। बहुत हंसते हैं। जिस विषय को देखकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, और कान्हा के पास आकर वो भी हंसने लगते हैं। वो भी कान्हा को बार बार हंसाने का प्रयास करते हैं, और कान्हा हंसते ही जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही भूख के कारण हमारे कन्हैया लड्डू गोपाल जी फिर से रोने लगते हैं। अब तो सब चिंता में पड़ जाते हैं कि ये तो अभी हंस रहे थे, अभी अचानक से रोने लगे। सब लोग जाकर माँ यशोदा को बुला कर लाते हैं और कहते हैं, यशोदा जल्दी से चलो, तुम्हारे लाला को भूख लगा है, तुम उसे थोड़ा दूध पिला दो। यशोदा माता ये सुनते ही भागते हुए कृष्ण के पास आ जाती है और उन्हें गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है। दूध पीते ही कन्हैया शांत हो जाते हैं, और दूध पीकर उनका पेट भी भर जाता है, जिस कारण से वो और बिल्कुल भी नहीं रोते। लेकिन कान्हा को शांत होते देख योगमाया जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस ये सोचने लगती है, ये क्या, मुझे कितना अच्छा लग रहा था, मैं अपने कान्हू के साथ खेल रही थी, लेकिन अब तो दूध पीकर कन्हैया भी शांत हो गया, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और थोड़ी देर मैं भगवान के साथ खेल पाती तो कितना अच्छा होता। यही सब सोचकर वो दुखी होती है और ब्रह्मा जी को आह्वान करती है। तभी ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, योगमाया तुम दुखी मत हो, आज का दिन हर एक संतान के लिए या हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस दिन को कृष्ण छठी पूजा के नाम से पालन किया जाएगा। अब से जो भी बच्चा जन्म लेगा उसके 6 दिन में तुम उसके साथ खेल सकती हो और उसके पास रह पाओगी। और
ये छठी का दिन हर एक बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत समान होगा और इसी कारण से ठाकुर जी का छठी पूजा इतने प्रेम से पालन किया जाता है और ब्रह्मा जी के वरदान से हर एक बच्चे के जीवन का सिक्स्थ दिन मतलब उस बच्चे के लिए और बच्चे की माँ के लिए बहुत शुभ होता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी पूजा मनाया जाता है। ये छठी पूजा हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गोपाल जी को सुबह नींद से जगाए और उन्हें पंचामृत से सुंदर से स्नान कराए और स्नान कराने के बाद उन्हें पीले कलर का पोशाक धारण कराए क्योंकि पीला कलर भगवान को अति प्रिय है। और उसके बाद उस दिन ठाकुर जी का विशेष पूजा पाठ करें और उन्हें माखन मिश्री आदि का भोग निवेदन करें और बहुत प्रेम से पालन करें ये छठी पूजा का महा उत्सव। अगर हो सके तो आज के दिन आप छोटे छोटे बच्चों को भोजन भी करा सकते हैं। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। बहुत प्रेम से पालन करें आज का ये छठी पूजा और साथ ही हमें ये ज़रूर बताइएगा आज का ये लीला कथा आप सबको कैसा लगा और छठी पूजा के विषय में जानकारी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी के छठी पूजा के विषय में जान पाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। सदा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।